नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल फिर से स्वागत करता हूं। तो बीआरओ की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है कि मेसन ट्रेड का कॉल लेटर, जिसके लिए अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उसको आज बीआरओ की वेबसाइट bro.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें कुल 147 पद के लिए 833 अभ्यर्थियों को लेटर भेजा जा रहा है। इसमें भी जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट को इसमें कॉल लेटर निकलने की संभावना है, तो बिल्कुल असहाय हुआ, क्योंकि इसमें फॉर्म कोई ज़्यादा नहीं पहुंचे थे, बहुत सीमित संख्या में फॉर्म पहुंचा था। इसीलिए जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उसी को कॉल लेटर भेज दिया गया है। बीआरओ का जो कॉल लेटर का रूल है उसके हिसाब से 147 पद के लिए कम से कम 1447 प्रतिभागियों को कॉल लेटर भेजना था, अर्थात 1:10 का रेशियो रहता है। लेकिन फॉर्म कम पहुंचने के कारण टोटल 833 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजा गया है। इसमें यूआर में टोटल 26 सीट था, 26 सीट के लिए टोटल 83 अभ्यर्थियों को लेटर भेजा गया है। और कैटेगरी वाइज देखें तो एससी में 30 सीट है, उसके लिए 238 अभ्यर्थियों को लेटर भेजा गया है। एसटी का 15 सीट के लिए 88 अभ्यर्थियों को लेटर भेजा गया। ओबीसी में 56 सीट के लिए 387 अभ्यर्थियों को लेटर भेजा गया है, तथा ईडब्ल्यूएस में 20 सीट के लिए 37 अभ्यर्थियों को देखा जाए भेजा गया है। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो सबसे कम कॉल लेटर यूआर में ही भेजा गया है, क्योंकि 26 सीट है और अभ्यर्थी टोटल 83 हैं, मतलब 3.19 का रेशियो है, 3 विद्यार्थी में 1 का सिलेक्शन पक्का है। वहीं एससी के लिए देखा जाए तो इसमें 238 अभ्यर्थी हैं और सीट है 30, इसका रेशियो पड़ रहा है 7.93। सबसे टफ कंपटीशन इसमें एससी वालों के लिए ही है। वहीं एसटी में 15 सीट के लिए टोटल 88 कॉल लेटर है, इसका पड़ रहा है रेशियो 5.87। वहीं ओबीसी में है 6.91 के हिसाब से कॉल लेटर दिया गया है। ऐसे तो जितने एलिजिबल कैंडिडेट को हैं सभी को कॉल लेटर भेजा गया है। और इसका जो परीक्षा है सभी अभ्यर्थी को दिनांक 7 नवंबर 2022 को सुबह 8 बजे ग्रेव सेंटर पूना के बीएन गेट पर रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। कि जैसे जैसे देख पा रहे हैं कोई कट ऑफ नहीं है और एलिजिबल कैंडिडेट को कॉल लेटर इशू किया गया है। इसमें और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड लाना है, साथ में आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन ये सब एग्जाम में रखने के ऊपर अनुमति नहीं है। और लास्ट में इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कॉल लेटर आपको जो एड्रेस दिए हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस उस पर भेज दिया गया है। और किसी कारण से आपको कॉल लेटर नहीं मिल रहा है तो ये जो लिस्ट है जो बीआरओ वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है उसका प्रिंट निकाल कर साथ में फोटोयुक्त आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में से कोई एक लेकर आप परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं, उनको भी परीक्षा देने का अनुमति दी जाएगी। अब बात रही किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित दो वीडियो हम ऑलरेडी पहले अपलोड किए हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तथा आगे भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।